Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit and healthy and you all have enjoyed your Diwali vacations. Diwali ki jo chuttiyan thi, Diwali holidays, in fact not vacation, Diwali holidays aapne enjoy kiya hoga. Festival ko khub masti ki hogi, patake bhi jalaye honge, mithai bhi khai hogi. और पढ़ाई नहीं की होगी आई एम श्योर, क्योंकि फेस्टिवल तो सेलिब्रेशन के लिए होता है, इन्जॉयमेंट के लिए होता है ना, पढ़ाई कौन करता है. पर थोड़ा तो पढ़ाई अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा. अब फेस्टिवल मूड से थोड़ा बाहर निकलेंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है ना. छुट्टियों से पहले, आपकी दिवाली की छुट्टियों से पहले हम कह रहे थे चैप्टर नंबर 14, एनिमल्स अराउंड अस. एंड दिस चैप्टर वी हैव बीन डूइंग सिंस पास्ट मैनी वीडियोज़. पिछले कई वीडियो से हम ये वाला ही चैप्टर कर रहे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है. इसके एक्सरसाइज मैंने आपको समझाया भी है और इसे हम लोग कर भी चुके हैं, है ना. तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम करेंगे जो मैंने आपको बोला था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी इस चैप्टर के. चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था और मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दिया है इस चैप्टर में. सो वील हैव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द चैप्टर एज वेल एज वट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर. जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में उससे रिलेटेड, प्लस जो कॉन्टेंट है वो तो है ही है, उसी से रिलेटेड हम आपको देंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो यू कैन टेक आउट योर बुक एंड यू कैन टेक आउट योर नोटबुक फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके, चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्स्ट्रा और यू कैन से एडिशनल. एडिशनल क्वेश्चंस. ओके, एडिशनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब आपके इवैल्यूएशंस होते हैं, असेसमेंट होते हैं, तो सिर्फ बुक के पीछे के ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Why do we keep pet animals? Why do we keep pet animals? हम pet animals क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं pet animals? Children, we keep pet animals for companionship and fun. वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे काम ही आए. जैसे डॉग और कैट हम फिर भी कह सकते हैं. कैट इसलिए कि थोड़ा बहुत कि चूहे पकड़ लेती है घर में, अगर चूहे हों तो, अगर कैट होगी तो चूहों को पकड़ लेगी. लेकिन अदरवाइज पेट एनिमल्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस, बट वी कीप देम फॉर कंपेनियनशिप एंड फन. सो वी विल राइट हियर, वी कीप पेट एनिमल्स फॉर कंपेनियनशिप, मतलब साथ के लिए, फॉर कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप एंड फन, मजे के लिए, अच्छा लगता है रखना उन्हें इजिली. ओके, नंबर टू, व्हाई डू वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स देन? व्हाई डू वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स? हम डोमेस्टिक एनिमल्स क्यों रखते हैं? व्हाई डू वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स? बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस, दे डू मैनी यूजफुल थिंग्स. ओके, सो दे आर यूजफुल फॉर अस. आंसर हम लिखेंगे वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस. वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं इसलिए हम उनको रखते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन हैव, व्हाई वी कैनॉट टेम वाइल्ड एनिमल्स? व्हाई वी कैनॉट टेम, टेम मतलब पालतू बनाना, किसी को पालतू बनाना, पेट बनाना. तो हम क्यों वाइल्ड एनिमल्स को टेम नहीं कर सकते? व्हाई वी कैनॉट टेम वाइल्ड एनिमल्स?
क्यों हम वाइल्ड एनिमल्स को पेट नहीं बना सकते, टेम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन से एलिफेंट को लोग टेम करते हैं, एलिफेंट जो है वो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन उसको लोग टेम करते हैं, उसको लोग पालते हैं। मंकी को भी कुछ लोग करते हैं, बट जनरली वाइल्ड एनिमल को टेम क्यों नहीं करते, बिकॉज दे कैन बी डेंजरस फॉर अस। तो हम लिखेंगे कि वी कैन नॉट टेम वाइल्ड एनिमल्स because they can be dangerous for us, हमारे लिए वो खतरनाक हो सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। they can be dangerous for us। यहाँ पे थोड़ा सा reflection आ रहा है, इधर wild लिखा हुआ है, ये this is wild। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। ओके, नाउ इट इज़ ओके वाइल्ड। चलिए, ये है कि 3 क्वेश्चंस, आप इसे नोट कीजिए तो फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। नेक्स्ट वी हैव, लेट मी इरेज दिस एंड देन आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स किसे कहते हैं, व्हाट आर मैमल्स, आंसर क्या होगा, द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। द एनिमल्स that give birth to their young ones, young ones मतलब babies, babies को young ones बोलते हैं, are called mammals। सॉरी, नंबर 5 इज व्हाट आर एम्फीबियंस, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हाट आर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, एम्फीबियंस क्या है, या हु आर एम्फीबियंस, विच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, इसको किसी भी तरह से इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हु आर एम्फीबियंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन water and on land are called amphibians। जो animals पानी में भी रह सकते हैं और land पर भी रह सकते हैं उन्हें कहते हैं amphibians, ठीक है। तो रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, विच एनिमल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, विच एनिमल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, किन जानवरों को रेप्टाइल्स कहा जाता है। सो द एनिमल दैट क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, द animals that crawl along the ground
are called reptiles. उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है जो क्रॉल करते हैं लैंड पर. द एनिमल्स दैट क्रॉल अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. प्लीज नोट डाउन दिस सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस. अभी तो क्वेश्चन आंसर से चल रहा है. ओके नाउ इसको इरेज कर देते हैं. Okay, next is question 7. Which animals are called rodents? Rodents किसको कहा जाता है? Sorry, E आता है, मैं बार बार A लिख देती हूँ. Rodents. Which animals are called rodents? किन जानवरों को rodents कहा जाता है? Children, animals with sharp teeth. Okay? Animals with sharp teeth, such as rat and rabbit. Are called rodents. Okay, next question number 8. What are aquatic animals? Aquatic animals किसको कहा जाता है? The animals that live in water are called aquatic animals. The animals which live in water are called aquatic animals. Okay. Next question number 9. Question number 9 is name any two insects that are harmful for us, या आप dangerous word भी हम use कर सकते हैं, that are harmful or dangerous for us. Harmful oblique dangerous. आपको दो ऐसे इंसेक्ट्स के नाम बताने हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या हमारे लिए खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं. चिल्ड्रन, ऐसे तो जो मैक्सिमम इंसेक्ट्स है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर डेंजरस फॉर अस, हार्मफुल फॉर अस, हमें कुछ ना कुछ बीमारी ही देते हैं. ज़्यादातर जो हमारे घर के आसपास हमें दिखाई देते हैं जो इंसेक्ट, दे आर हार्मफुल फॉर अस, दे मे मेक अस सिक, हमें वो बीमार कर सकते हैं, हमें वो बीमारियाँ दे सकते हैं. तो आप किन्हीं दो इंसेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं? आप कॉकरोच लिख सकते हैं, हाउस फ्लाई लिख सकते हैं, मस्किटो लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाउस फ्लाई एंड मस्किटो. मस्किटोस, दे आर हार्मफुल फॉर अस. इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ एक क्वेश्चन और दे देते हैं. ये हो गए आपके 9 क्वेश्चंस, है ना.
या ऐसा करते हैं, आज के वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको 9 क्वेश्चंस मैंने दे दिए, एक वीडियो में 9 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। अब अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। आज के वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके। इसे तब तक आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।